भारत ही नहीं दुनिया के ये 5 देश भी मनाते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 5 अन्य देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत की तरह दक्षिण कोरिया को भी 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया को जापान से आज़ादी मिली। इस दिन को दक्षिण कोरिया में नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका और सोवियत सेना ने दक्षिण कोरिया को जापानी कब्जे से मुक्त कराया। दक्षिण कोरिया के बाद उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। 15 अगस्त 1945 को ये दोनों देश जापानी कब्जे से मुक्त हो गए। इस वजह से उत्तर कोरिया 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे के रूप में भी मनाता है। खास बात यह है कि इस दिन छुट्टी होने के कारण उत्तर कोरिया में इस दिन शादी करने की परंपरा शुरू हुई। लिख्टेनस्टीन पर कई वर्षों तक जर्मनी का कब्जा था, लेकिन 15 अगस्त 1866 को लिख्टेनस्टीन को जर्मन गुलामी से आज़ादी मिल गई। लिख्टेनस्टीन 1940 से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। लिख्टेनस्टीन दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। बहरीन को भी 15 अगस्त को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। हालांकि देश को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली, लेकिन 1960 में ब्रिटिश सेना ने बहरीन छोड़ना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को बहरीन और ब्रिटेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद बहरीन ने एक स्वतंत्र देश के रूप में ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखे। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश कांगो को फ्रांसीसी गुलामी से आज़ादी मिली। इसके बाद देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 1880 से कांगो फ्रांस के नियंत्रण में था। तब इसे फ्रेंच कांगो के नाम से जाना जाता था। बाद में 1903 में यह सेंट्रल कांगो बन गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।